हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। अज दे नवे तीन टिप्पणी। जदों भी तुसी कोई चीज़ वड़े पकौड़े कुछ बनाते हो, उन्हूं तुसी क्रिस्पी रखना चाहते हो, तो तुसी थोड़ा जहा राइस फ्लावर पाओगे, तो मतलब चावल का पाउडर पिसया हुआ थोड़ा जहा पाओगे, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। दूसरा की है कि जदों तुसी वड़ा बनाते हो, दाल वाला वड़ा बनाते हो, उस तो बनान तो एक मिनट पहले तुसी अगर सूजी का रवा एक दो चम्मच पा के फिर तुसी शुरू कर दो बनाना, तो वह जो क्रिस्पीनैस है वह शाम तक अच्छा क्रिस्प रहता है, वह नरम नहीं पैंते। दूसरा टिप है तेल, अगर टप 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 कर रहे होंगे तुसी कभी कभी पानी वाली धो तो के रख दियो और तेल पाते हो, तो पानी टिप टिप करे तो तुसी की करो थोड़ा जहा नमक विच पा दो। ए दो फायदे ने, अगर तुसी नमक पा दोगे तो वह टिप टिप करना बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर तुसी पकौड़े बना रहे हो तो पहले अगर तुसी एक थोड़ा जहा चुटकी जहा नमक पहले पा के पकौड़े बनाओगे ना, वो तेल ज़्यादा नहीं चूसेगा। वैसे भी अगर तुसी जरा सूजी है सब पाओगे ना, वो नाल भी घट तेल चूस होगा। तो बस हूँ जो आइसक्रीम, तीसरा टिप है आइसक्रीम। आइसक्रीम कभी कभी असं घर लैके आने काफ़ी क्वॉंटिटी, लेकिन असं पूरी नहीं खाते हाँ, तो उन्होंने तुम इंज डब्बे बंद करके ना रखो क्योंकि ऑलरेडी खुल चुकी है। ये वास्ते उन्होंने टाइट डब्बे पा के प्लास्टिक के कवर के पैक करके रखोगे तो ये क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे, उंज ही क्रीमी क्रीमी रहेगी। तुम पैक करके रखोगे ना तो आइसक्रीम पूरी क्रीमी क्रीमी रहेगी, नहीं करोगे तो विच विच क्रिस्टल क्रिस्टल हो जाएगी। ऐसा से जब भी आइसक्रीम नू खान तो बाद प्लास्टिक कवर दे विच डब्बे नू प्लास्टिक कवर दे डब्बे ही रहने दो, पर प्लास्टिक कवर दे पैक करके रखना, ज़्यादा देर सॉफ्ट क्रीमी रहती है।